हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की जो रेसिपी है बहुत सिंपल और आसानी से बनने वाली है, और जो लोग डाइटिंग पे हैं और एक ही चीज़ खा खा के बोर हो गए हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आलू शिमला मिर्च बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 आलू, जिसे मैंने स्क्वायर में कट कर लिया है, और यहाँ पर है शिमला मिर्च, इसे भी मैंने स्क्वायर में कट किया है। और बस बेसिक मसालों के साथ मैं इसे बनाऊँगी। यहाँ पे है धनिया, हल्दी, ज़ीरा और लाल मिर्च, और साथ में यहाँ 5 फ़ोरन, और इसे मैं सरसों के तेल में बनाऊँगी। सबसे पहले पैन चढ़ा दीजिए, और क्योंकि ये नॉन स्टिक है तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। इससे पहले आप इसमें तेल डाल दें, नहीं तो इसके जो कोटेड है ना वो निकल जाते हैं। ये टेफ्लॉन कोटेड है और इसको ज़्यादा हीट करने से इसकी पपड़ियाँ उखड़ने लगती हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ सरसों का तेल। थोड़ा अच्छा से डालिएगा, ज़्यादा तेल डालिएगा, क्योंकि मैं सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। ग्रेवी वाली सब्ज़ी में अगर आप थोड़ा कम तेल भी डालें तो चलेगा, लेकिन अगर आप सूखी सब्ज़ी बना रही हैं तो थोड़ा तेल ज़्यादा डालें। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया है, और यहाँ पर डाल देती हूँ 5 फ़ोरन। इसी में डाल दूंगी सारे बेसिक मसाले, और साथ साथ में मैं आलू भी डालती जाऊंगी, क्योंकि आलू में पानी है तो मसाला जलेगा नहीं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे तब तक भूनिए जब तक ये मसाला इसमें अच्छे से कोटेड ना हो जाए और आलू अच्छे से गल ना जाए। तो ये देखिए सब्ज़ी अच्छे से भुन रहा है, और मसाले अच्छे से भुन जाए और नमक आलू अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, इसके लिए मैं यहाँ पे नमक डाल देती हूँ। इस टाइम नमक डालने का यही रीज़न है क्योंकि आलू के अंदर भी नमक होना चाहिए। अगर आप इसे लास्ट में डालेंगे तो अंदर से वो फीका फीका लगेगा। इसे ढक देती हूँ ताकि वो गल जाए। तो आइए चेक करते हैं आलू गला है कि नहीं। ये देखिए ये आलू आधा गल गया है। ये अब इसमें हम डाल देंगे, ये है शिमला, ये है आमचूर। तो इस टाइम मैं इसमें डाल देती हूँ, और साथ में डालेंगे हींग। हींग चाहे तो आप तेल में भी डाल सकते हैं, और ऐसे ऊपर भी डाल देंगे, खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी, और ये हाजमे में भी बहुत काम देता है। अब यहाँ पे जो शिमला मिर्च मैं काट के रखी हूँ इसमें डाल देते हैं। अच्छे से मिला देंगे। ये फ़ायदा होता है कि इसे कलर बहुत अच्छे आते हैं। ये काफ़ी ड्राई हो गया है तो आप हल्का सा पानी, थोड़ा पानी डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बस इतना थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें। और इसे मिक्स कर दें। अब मैं इसे ढकूंगी नहीं, क्योंकि अगर अब ढक दूंगी तो शिमला मिर्च क्रंची नहीं बनेगा, इसलिए इसे खोल के ही पकाएंगे, और इसे इस तरह मिलाते जाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है, और आलू गल चुका है ये देखिए, और शिमला मिर्च भी अभी क्रंची है, गल भी चुका है और क्रंची भी है। मैं आपको हाथ से करके दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो ये नान, रोटी, पूड़ी, दाल चावल सभी के साथ अच्छा लगता है। अब लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पत्ती। जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, इससे शिमला मिर्च की जो आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी है उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो ये है नींबू, किसी भी चीज़ में आप नींबू डालिएगा
तो इसका टेस्ट बढ़ ही जाता है। और इसमें भी मैं डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो देखिए ये तैयार हो गया है। और अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी कि जो भी आलू थोड़ा सा अगर कम गला है या शिमला मिर्च वो गल जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। बोले ना, आवाज मत करो। तो ये बहुत आसानी से बनने वाला है। अगर आप हॉस्टल में हो तो इसे बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। बहुत कम मसाले में बना है, ना अदरक लहसुन का झंझट है कि वो पिसा हो तभी बनेगा। और सूखी सब्जी है तो किसी में भी अच्छा लगता है।